हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के होम साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें जो यूनिट 3 है, इकाई 3, जिसका शीर्षक है मुद्रा प्रबंधन एवं उपभोक्ता शिक्षा। इसके अंतर्गत जो पहला पाठ दिया गया है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं धन व्यवस्थापन, मनी मैनेजमेंट क्या है। व्हाट इज मनी मैनेजमेंट? मनी मैनेजमेंट का मतलब है अपने पैसे का प्रबंधन करना, जिससे जो पैसा आप कमाते हैं उसका कितना प्रतिशत अपनी जरूरतों पर, कितना प्रतिशत सेविंग्स यानी बचत पर खर्च करते हैं। मनी मैनेजमेंट एक फाइनेंस मैनेजमेंट है, जिससे आप होने वाले खर्चों बजट को इस तरह मैनेज करते हैं कि मनी प्रॉब्लम ना तो प्रेजेंट में और ना ही फ्यूचर में आए। आपने सड़क किनारे बहुत से ऐसे चाट वाले या गोलगप्पे वाले यानी छोटे स्तर पर काम करने वालों को देखा होगा, जिनकी दुकान में या ठेले पर काफ़ी भीड़ होती है और वो इतना कमाते हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। पर कई साल बाद भी उनमें से 99%, 99% लोगों की लाइफ स्टाइल वैसी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पैसा तो कमाते हैं पर मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, और पैसा कमाने के बाद भी मनी प्रॉब्लम उनके लिए बनी रहती है। आप अपनी रूटीन लाइफ को तो अच्छी तरह मैनेज कर लेते हैं, पर अगर यदि आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आता है तो अचानक से पैसे की प्रॉब्लम से आप बच नहीं सकते। आपके सामने अचानक से पैसे की प्रॉब्लम आ जाती है और आपको पैसे उधार भी लेने पड़ सकते हैं। एक्चुअली में हमारी इनकम कितनी भी बढ़ जाए, यदि हम पैसे का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हमेशा पैसे को लेकर हमारी प्रॉब्लम्स बनी रहेगी। अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आइए इसी से जुड़ी कुछ और बातों को जानते हैं, कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने देखा मनी मैनेजमेंट के बारे में, आइए अब देखते हैं कि हम मनी मैनेजमेंट, धन व्यवस्थापन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए इम्पोर्टेंट टिप्स यानी महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हो सकता है, जिसमें सबसे पहला है अपनी इनकम और होने वाले खर्च का बजट बनाना, दूसरा है खर्चों को कंट्रोल करना, तीसरा है जरूरी खर्चों की लिस्ट बनाना, चौथा है बजट के अनुसार खर्च करना, पांचवा है किन किन खर्चों को कम करके सेविंग्स यानी बचत की जा सकती है इस पर ध्यान देना, छठा है अपने कर्ज आदि के लिए अलग से बजट बनाना, फिर है अचानक आने वाले बड़े खर्चों के लिए बचत यानी सेविंग्स करना, फिर अपने बचत को इन्वेस्ट यानी निवेश करना। इस तरह मनी मैनेजमेंट के जरिए हम आज और आने वाले समय में मनी प्रॉब्लम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट के लिए आपको एक बुक बनानी होगी, जिसमें इनकम और खर्चों का विवरण लिखना होगा, जिससे आपको मालूम होगा कि कहाँ कहाँ कितना खर्चा हो रहा है और क्या क्या ऐसे खर्च हैं जिसको कम करके सेविंग्स की जा सकती है और सेविंग्स को कैसे इन्वेस्ट किया जाए जो फ्यूचर में मनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसके बारे में डिटेल में विस्तार से हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए अब अपने पाठ की तरफ चलते हैं। हमारे पाठ में सबसे पहले परिचय दिया गया है, इसके बाद धन व्यवस्थापन के बारे में दिया गया है, और इसके बाद पारिवारिक आय क्या है इसके विषय में जानकारी दी गई है। इसके बाद पारिवारिक आय की संपूर्ति की आवश्यकताओं के बारे में दिया गया है, फिर है पारिवारिक आय बढ़ाने के साधन कौन कौन से हैं, इसके बाद घरेलू हिसाब किताब या घरेलू अभिलेख कैसे बनाया जाए इसके बारे में बताया गया है, उसके बाद बताया गया है कि घरेलू हिसाब किताब रखने की आवश्यकता क्या है, फिर है दैनिक हिसाब किताब लिखने की विधियाँ, कौन कौन सी विधि है, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिया गया है, और उसके बाद एक झलक है, और उसके बाद पाठ के आखिरी में अभ्यास कार्य दिया गया है।
तो आइए अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। परिचय में दिया गया है, धन। धन एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। धन को एक भौतिक एवं अमानवीय साधन माना जाता है, जो मानवीय साधनों जैसे शक्ति, समय, ज्ञान, कौशल आदि का उपयोग करके मानव द्वारा अर्जित किया जाता है। धन मानव को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता है तथा उसका जीवन स्तर ऊंचा करता है। धन वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है तथा धन की बचत करके अपने भविष्य को सुरक्षित रखता है। इसके बाद दिया गया है धन व्यवस्थापन, मनी मैनेजमेंट। धन व्यवस्थापन का अभिप्राय है सभी प्रकार की आय का आयोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन करना, जिससे परिवार के लिए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सके। एक बार फिर मैं बता रही हूँ, धन व्यवस्थापन का अभिप्राय है सभी प्रकार की आय का आयोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन करना, जिससे परिवार के लिए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सके। धन एक सीमित साधन है। धन का अधिक होना अपने आप में आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं है, क्योंकि व्यवस्थापन के बिना अधिक धन का अपव्यय हो सकता है, जबकि अच्छे संचालन से सीमित आय से भी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। इसका मतलब, यदि हमारे पास अधिक धन है, हमारा इनकम ज्यादा है और हमें मनी मैनेजमेंट नहीं आता है, तो पैसे का दुरुपयोग भी हो सकता है। हम अपने भविष्य के लिए पैसे को बचा नहीं सकते। लेकिन अगर हमारी इनकम कम है और हमें मनी मैनेजमेंट आता है, तो हम अपने भविष्य के लिए पैसे बचा सकते हैं। इसके बाद आता है पारिवारिक आय, फैमिली इनकम। परिवार के सभी सदस्यों की सम्मिलित आय को पारिवारिक आय कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक व्यवस्था के दो केंद्र होते हैं, आय तथा व्यय। आय यानी इनकम, व्यय खर्च। धन का व्यवस्थापन करते समय परिवार की आय व्यय में संतुलन स्थापित करते हुए धन का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए जिससे परिवार को अधिकतम सुख एवं समृद्धि प्राप्त हो सके। धन बुक में दिया गया है आय, आय यानी इनकम। तो आय क्या है? आय एक निश्चित अवधि में अर्जित की गई वह धन राशि है जो आर्थिक प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। आय एक निश्चित अवधि में अर्जित की गई वह धन राशि है जो आर्थिक प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। अब आता है पारिवारिक आय। पारिवारिक आय क्या है? मीन्स फैमिली इनकम। पारिवारिक आय एक निश्चित अवधि में परिवार के मुखिया या अन्य सदस्यों के द्वारा अर्जित आय, धन या मुद्रा पारिवारिक आय कहलाता है। इसके बाद बुक में दिया गया है ग्रॉस एंड क्रैंडल के अनुसार पारिवारिक आय की क्या परिभाषा है। तो ग्रॉस और क्रैंडल के अनुसार पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूरा करने एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए प्रयोग किया जाता है। यह किसने कहा था? यह ग्रॉस एंड क्रैंडल ने कहा था। फिर पारिवारिक आय में वेतन, मजदूरी, ग्रेजुएटी, पेंशन, ब्याज व लाभांश, किराया, भविष्य निधि आदि सभी को सम्मिलित किया जा गया है। ये सब जो है वो पारिवारिक आय के स्रोत हैं। तो अगर हमसे यह पूछा जाए पारिवारिक आय के स्रोत क्या क्या हैं, तो हम बता सकते हैं कि पारिवारिक आय के स्रोत वेतन, मजदूरी, ग्रेजुएटी,
पेंशन, ब्याज व लाभांश, किराया, भविष्य निधि आदि हैं। इसके बाद पारिवारिक आय के प्रकारों के बारे में दिया गया है। तो पारिवारिक आय को हम तीन प्रकार में बांट सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है मौद्रिक आय, दूसरा है वास्तविक आय और तीसरे को हम कहते हैं आत्मिक आय। पहला मौद्रिक आय, दूसरा वास्तविक आय और तीसरा आत्मिक आय। अब यह मौद्रिक आय क्या है? मौद्रिक आय किसे कहते हैं? बुक में दिया गया है, जो आय किसी परिवार को मुद्रा के रूप में एक निश्चित समय में प्राप्त होती है, मौद्रिक आय कहलाती है। जो आय किसी परिवार को मुद्रा के रूप में एक निश्चित समय में प्राप्त होती है, वह मौद्रिक आय कहलाती है, मनी इनकम। मौद्रिक आय को हम मनी इनकम कहते हैं। मौद्रिक आय आर्थिक प्रयत्नों द्वारा प्राप्त होती है। जिन कार्यों को करने से हमको आय प्राप्त होती है, वे आर्थिक कार्य कहलाते हैं। जब हम आर्थिक कार्य करते हैं, तभी तो हमें मौद्रिक आय की प्राप्ति होती है। आय प्राप्त होने पर आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए उपभोग सामग्री प्राप्त करने में व्यय कर दी जाती है। जब हमारा इनकम होता है, तो हम अपनी आवश्यकता की चीजों को खरीदने में उसे व्यय कर देते हैं, उसे पैसे को लगाकर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे यदि हम कहीं कमा रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो हमें जो महीने के आखिरी में सैलरी मिलती है, वही तो वेतन है। या हम कोई व्यापार कर रहे होते हैं, उससे जो भी हमारा इनकम होता है, या यदि हमारा अपना मकान है और हमने उसे किराए पर लगाया है, तो वो उससे जो हमें पैसे प्राप्त होंगे, ये सब जो है वो मौद्रिक आय कहलाता है। इसके बाद ग्रॉस एंड क्रैंडल के अनुसार मौद्रिक आय का परिभाषा दिया गया है। तो मौद्रिक आय से तात्पर्य उस क्रय शक्ति से है, जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित समय में एक परिवार को प्राप्त होती है। ऐसा ग्रॉस और क्रैंडल ने बताया है। तो ग्रॉस और क्रैंडल ने हमें यह बताया कि मौद्रिक आय से तात्पर्य उस क्रय शक्ति से है, जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित समय में एक परिवार को प्राप्त होती है। इसके बाद है मौद्रिक आय के साधन क्या क्या है, मौद्रिक आय किन किन रूप में हमें प्राप्त हो सकता है। तो मौद्रिक आय के जो साधन होते हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे वेतन, पेंशन व ग्रेजुएटी, ब्याज व लाभांश, मजदूरी, किराया, लाभ, भविष्य निधि कोष, बोनस, ये सब जो हैं वो मौद्रिक आय के साधन हैं। अब यह वेतन, वेतन क्या है? जब हम कहीं नौकरी कर रहे होते हैं, तो उससे हमें हर महीने पैसे प्राप्त होते हैं, महीने के आखिरी में हमें सैलरी मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सैलरी यानी वेतन कहते हैं। यह जो है वो मौद्रिक आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। उसके बाद आता है पेंशन या ग्रेच्युटी। तो रिटायरमेंट के बाद जो हमें पेंशन मिलता है, वह भी आय का एक साधन ही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम नौकरी कर रहे होते हैं, तो हमारा जो भी वेतन होता है, उसमें नियमित रूप से कुछ राशि काटी जाती है, जिससे जो मालिक होता है वो उस राशि में कुछ अपना अंश मिलाकर, अपने लाभ का कुछ अंश मिलाकर एक निश्चित राशि देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेजुएटी, जिसे हम ग्रेजुएटी कहते हैं। और पेंशन जो है वो रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय को कहते हैं। वेतन का एक निश्चित प्रतिशत जो है वह पेंशन के रूप में हर महीने जो व्यक्ति रिटायर होता है उसे मिलता है। कब तक मिलता है? जब तक वह जीवित रहता है। इसके बाद जो मौद्रिक आय का अगला साधन है, वह है ब्याज व
लाभांश। पूंजी के विनियोग से प्राप्त होने वाला ब्याज तथा व्यवसायिक संस्था के शेयर से प्राप्त होने वाला लाभांश भी मौद्रिक आय ही है। इसके बाद जो मौद्रिक आय का अगला साधन है उसे हम मजदूरी कहते हैं। मजदूरों को कार्य करने के बाद जो पारिश्रमिक दैनिक, साप्ताहिक या मासिक प्राप्त होता है उसे हम मजदूरी कहते हैं। फिर आता है किराया, रेंट, मकान, दुकान आदि से प्राप्त जो रेंट होता है, जो किराया होता है, वो भी मौद्रिक आय का एक साधन ही है। फिर आता है लाभ। किसी उद्योग या व्यापार में पूंजी विनियोग से प्राप्त होने वाला लाभ भी मौद्रिक आय ही है। उसके बाद जो मौद्रिक आय का साधन है वह है भविष्य निधि कोष। कर्मचारियों के वेतन से प्रति माह एक निश्चित राशि भविष्य निधि कोष में जमा होती है, जो रिटायरमेंट के बाद ब्याज सहित व्यक्ति को मिल जाती है। तो यह भी हमारे लिए मौद्रिक आय का एक साधन ही है। इसके बाद आखिरी है बोनस। बहुत सी व्यावसायिक संस्थाओं में कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त वर्ष में एक या दो बार कुल लाभ में से कुछ धनराशि दी जाती है, जिसको हम बोनस कहते हैं। यह हमें किसी फेस्टिवल पर मिलता है या फिर किसी ओकेजन पर भी मिलता है। यह व्यक्ति की अतिरिक्त आय होती है जो उस संस्थान के लाभ पर निर्भर करती है। तो आज हमने पढ़ा धन व्यवस्थापन क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, धन क्या है, पारिवारिक आय क्या है, पारिवारिक परिवार के सभी सदस्यों की सम्मिलित आय को पारिवारिक आय कहते हैं। इसके बाद हमने पारिवारिक आय की परिभाषा को देखा, जो कि हमें ग्रॉस और ट्रेंडल ने दिया था। तो ग्रॉस और ट्रेंडल ने पारिवारिक आय की परिभाषा दी है, जिसके अनुसार पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूरा करने एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमने पारिवारिक आय के स्रोतों को देखा, जिसमें वेतन है, पेंशन है, ग्रेच्युटी है, ब्याज है, लाभांश है, मजदूरी है, बोनस है आदि सम्मिलित होते हैं। इसके बाद हमने पारिवारिक आय के प्रकारों को देखा। तो पारिवारिक आय के तीन प्रकार होते हैं। पारिवारिक आय को हम तीन प्रकारों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला मौद्रिक आय, दूसरा वास्तविक आय और तीसरा आत्मिक आय है। तो आज हमने मौद्रिक आय के विषय में अध्ययन किया था। जो आय किसी परिवार को मुद्रा के रूप में एक निश्चित समय में प्राप्त होती है उसे हम मौद्रिक आय कहते हैं। फिर ग्रॉस और क्रैंडल ने मौद्रिक आय का परिभाषा दिया, जिसके अनुसार मौद्रिक आय से तात्पर्य उस क्रय शक्ति से है जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित समय में एक परिवार को प्राप्त होती है। इसके बाद हमने मौद्रिक आय के साधनों को देखा। तो मौद्रिक आय के साधन निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है वेतन, दूसरा है पेंशन व ग्रेच्युटी, तीसरा है ब्याज व लाभांश, चौथा है मजदूरी, पांचवा है किराया, छठा लाभ, सातवां है भविष्य निधि कोष और आठवां है बोनस। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पारिवारिक आय के अगले दो प्रकार, वास्तविक आय और आत्मिक आय के विषय में अध्ययन करेंगे।